सो फाइनली वी हैव गॉट वन स्मॉल स्नैक, इट्स नेम इज़ बेम्बू पीट वाइपर। बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्नैक नहीं, आई थिंक 1 फीट मैक्सिमम रहेगा। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी। अभी सब लोग, भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, दे आर एक्चुअली क्लिकिंग द फोटोग्राफ्स ऑफ दैट स्नैक। बट अभी जब ये आराम से लोग, ये लोग फ्री हो जाएंगे, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो स्नैक कितना क्यूट है, कितना। This is Ashish and welcome back to channel. I know you are waiting for my vlog, so I am here again एक नए vlog के साथ आप लोगों के समक्ष। तो आज मैं हूँ एक हिल स्टेशन पर जो महाराष्ट्र का बहुत फेमस हिल स्टेशन है। जी नहीं, ये महाबलेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हूँ माथेरन में। सो माथेरन सबको पता होगा कि माथेरन एक मुंबई से 90 किलोमीटर 95 किलोमीटर की दूरी पे हिल स्टेशन है। इट्स अ रेन फॉरेस्ट, मेजरली आपको यहाँ पे मॉनसून या मॉनसून के बाद का ही यहाँ पे माहौल मेजरली रहता है। बहुत बारिश होता है यहाँ पे, अथाह बारिश होता है, मतलब इतना बारिश होता है कि आज से 15-20 साल पहले यहाँ पे लोग एज अ टूरिज्म, एज अ टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते थे, बिकॉज यहाँ बारिश ही इतना होता था, यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो अभी कुछ सालों से यहाँ पे टूरिज़म बढ़ गया है। इट्स अ बायोडाइवर्सिटी प्लेस, आपको यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, मतलब एक स्पॉट है अमर लॉज करके, वहाँ तक ही गाड़ी आ सकता है, उसके आगे गाड़ी नहीं जा सकता है। इट्स अ टोटली व्हीकल फ्री स्पेस जहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ एकदम बैन हैं। तो माथेरन आने के दो तरीके हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी लोकेशन से मुंबई में नेरल पहुँच सकते हैं, नेरल से आपको कैब्स मिल जाएंगी, ये जिस कैब में मैं जा रहा हूँ वैसा कैब्स आपको मिल जाएगा, ईको या कोई मारुति वैन, एंड दे विल ड्रॉप यू एट माथेरन अमर लॉज, ओके, दस्तूरी नाका के पहले। दूसरा तरीका है, आप अपनी गाड़ी से अगर आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी से आप सीधा डायरेक्टली अमर लॉज पे पहुंच सकते हैं। वहां पर पहुंच के आपको दस्तूरी नाका पर अपनी गाड़ी पार्क करनी है, एंड वहां से फिर आपको जो भी आपका होटल है, जहां भी आपको जाना है घूमने, वहां से आप वॉक करके ही जा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आगे गाड़ी नहीं जाती है। तो हम लोग भी बस से जब आए तो 1 नंबर नाका पे, जहाँ से घाट चालू होता है माथेरन का, वहाँ पर बस ने अपने को ड्रॉप किया, क्योंकि बस ऊपर नहीं जा सकती है, कार जा सकती है, बाइक जा सकती है। एक गाड़ी का 5 लोगों के लिए जो लगता है वो 500 रुपीज़ लगता है, 100 रुपये पर सीट लगता है, और 100 रुपये देकर आप ऊपर पहुंच सकते हैं। आप पूरी गाड़ी करना चाहते हैं, 4-5 लोग आपके साथ हैं, तो 500 रुपये देके आप पूरी गाड़ी लेके जा सकते हैं। सो वी हैव रीच्ड अमर लॉज। अमर लॉज पे यहाँ पर आने के बाद, जहाँ पर आपको गाड़ी छोड़ेगी, वहाँ पर आने के बाद आपको एक 50 रुपीज़ का एडल्ट का टिकट लगता है, और एक 25 रुपये का बच्चे का टिकट लगता है, जो माथेरन की एंट्री के लिए टिकट है। फाइनली MTDC का रिसॉर्ट जो हमने बुक किया है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं वॉक करके, या जैसे ही आप इधर टैक्सी स्टैंड पे पहुँचेंगे ऊपर, तो बाजू में ही है वो, इनफैक्ट टिकट काउंटर के बाजू में उसका एक गेट है, हमें दूसरे वाले गेट पर जाना है। जैसा मैंने बोला कि ये बायोडाइवर्सिटी प्लेस है, यहाँ पे आपको गाड़ियाँ नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे मोस्टली अपने को वॉक करना पड़ता है। सो यहाँ पे कभी भी बारिश होता है, कभी रुक जाता है, कभी चालू हो जाता है। अभी यहाँ पे बारिश था और अभी यहाँ पे बारिश बंद हो गया इमीडिएटली। जो अपन लोग वहाँ पर मेन देखने यहाँ पर आए हैं, वो रेप्टाइल्स और स्नैक्स देखने आए हैं, तो उनको ढूंढना मुश्किल है। उन स्नैक्स को ढूंढने के लिए हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स हैं, एक हैं DCP से, DCP एक्सपीडिशन से, डॉक्टर सीजर सेन गुप्ता, हु इज़ फाउंडर एंड एज फोटोग्राफर इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, एंड वी हैव योगेश चवन हु इज़ द पार्ट ऑफ द टीम। दे आर गोइंग टू फाइंड सम स्पीशीज ऑफ स्नैक्स विद देयर एक्सपर्टीज, एंड वो हमें वो दिखाने वाले हैं। तो हम लोग इस नाइट ट्रेल में हम लोग वही एक्चुअली मेन देखने के लिए आए हैं। ये जंगल है, तो जंगल के कुछ कानून होते हैं,
जैसे हमारे घर के कुछ कानून होते हैं, वैसे यहाँ पे जंगल के जो लोग हैं और उनके जो स्पीशीज हैं उनके कुछ कानून हैं कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। अभी एक ट्रेल स्टार्ट हुआ है हमारा चाय पीने के बाद। हमारे जो ग्रुप लीडर हैं योगेश भाई, इन्होंने कुछ ढूंढ के निकाला है। लेट्स सी व्हाट इट इज। स्नेल है ना, ये स्नेल ढूंढ के निकाला है अभी, ट्राइंग टू फाइंड कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ही इज़ देयर एंड डॉक्टर सीजर इज हेयर। दे बोथ आर एक्चुअली चेकिंग इफ़ दे गेट समथिंग वेरी एक्साइटिंग। जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं वो है रेप्टाइल्स, स्नैक्स। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग मशरूम अपने को यहाँ मिला है जो योगेश जी ने फाइंड आउट किया है। इसको उन्होंने नाम दिया है स्मोकिंग मशरूम। अब इस मशरूम की खासियत यह है कि जब आप उसमें पानी का एक ड्रॉप डालेंगे ना तो वो स्पिट करता है। जब भी आप पानी डालेंगे वो स्पिट करेगा। तो वही देखने हम यहाँ पर आए हैं। एंड इट इज़ फाइनली वी हैव गॉट वन स्मॉल स्नैक। बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्नैक नहीं, आई थिंक 1 फीट मैक्सिमम रहेगा। सो वी गॉट टू सी वन कॉमन ग्रीन स्नैक, जो बहुत छोटा स्नैक था जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इसमें दिख रहा होगा। अभी अपने को एक बैम्बू पीट वाइपर मिला है जो बैम्बू पीट वाइपर। दिस इज अ वेनमस स्नेक एंड इट यूजली स्टेज इन बिटवीन द ग्रीन कलर बैम्बूज वेर इट इज कैमोफ्लेज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बैम्बू पीट वाइपर। एंड द पिट नेम मीन्स, पिट मीन्स होल्स। सो इन बिटवीन द आईज एंड द नोज देर आर होल्स विच सीम्स लाइक नोज बट देर आर एक्चुअली पिट्स एंड दोज आर हीट सेंसर्स। फ्रॉम दैट दे सेंस द प्रे विच इज कमिंग ऑन, लाइव प्रे, एंड दे कैच इट। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड अ बैम्बू पीट वाइपर। वंडरफुल। सो ही इज योगेश जी। पिछले 20 साल से माथेरन में रिसर्च कर रहे हैं, माथेरन पे रिसर्च कर रहे हैं इनफैक्ट यू कैन से। एंड इन्होंने इस पे एक बुक भी लिखा है। बुक का नाम क्या है सर? माथेरन अ प्रैक्टिकल गाइड। प्रैक्टिकल के लिए आपको किसी को बुक चाहिए तो आप मुझे टैग कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इनके साथ कनेक्ट कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बहुत सारे स्नैक्स की स्पीसीज और फ्रॉक्स की स्पीसीज और फौना एंड फ्लावर्स की स्पीसीज पे इन्होंने रिसर्च किया हुआ है। एक बहुत ही अच्छा एक अभी इन्होंने वो बताया था मशरूम मिला अपने को, जिस पे अगर आप पानी की ड्रॉप डालते हैं तो वो स्मोक निकालता है। बारिश में जब बारिश उसके ऊपर गिरती है तो उसके अंदर से जो स्पोर्स उसके मुंह से निकलते हैं तो स्पोर्स आर कंटेनिंग द सीड्स ऑफ न्यू मशरूम्स टू ग्रो। तो इस तरह से वो फैलता है। ओके, इट्स वेक और कॉमन ग्रीन वाइन स्नेक अपने को यहाँ मिला है। वो पिछले वाले से थोड़ा बड़ा है तो चलो उसको देखते हैं। माथेरन में तकरीबन 38 पॉइंट्स है जिसको देखने के लिए मेजरली लोग आते हैं, यहाँ अपना वीकेंड स्पेंड करने के लिए लोग आते हैं। पॉइंट्स मींस जहाँ पे सनसेट पॉइंट हो गया, सनराइज पॉइंट हो गया, लव बर्ड पॉइंट हो गया, ये पॉइंट वो पॉइंट, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। सो हमारा मकसद वो नहीं था। मैं आपको बोल रहा हूँ 98% लोग ऐसे हैं जो ये सब देखने आते हैं, बट हमारा मकसद वो था ही नहीं इस वीडियो में बताने का। आई वॉन्टेड टू शो यू कि यहाँ पे जो बियॉन्ड द पॉइंट्स एंड बियॉन्ड अदर यू नो थिंग्स जो यहाँ पे नेचर में मिलता है वो आप देखें।
और ये देखने के लिए मैंने जैसे बोला कि आप एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, तो हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स थे, एक यहाँ के जो लोकल एक्सपर्ट थे वो भी हमारे साथ थे। उन लोगों ने हमें ये सब चीज़ें फाइंड आउट करके दिखाया है, तो हम उन 2% में से थे शायद जो ये सब देखना चाहते थे, और ये सब देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। अभी तो हमने सिर्फ 3-4 स्नैक्स की बात की, यहाँ पे तकरीबन 16 से ज़्यादा स्नैक्स हैं, यहाँ पे तकरीबन 32 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गीकोज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आपका यू नो फ्लोरा एंड फौना, डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की वेराइटी, लंगूर, मंदर, पॉक्यूपाइन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं अगर आप ये देखने के लिए आते हैं। बट इसके लिए अगेन एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, ये ऐसे ही आपको चलते हुए नहीं दिख जाएंगी। फ्रॉक्स एंड ऑल यू विल फाइंड इन योर होटल ऑल्सो, मॉनसून है तो वहाँ पे छोटे छोटे फ्रॉक्स आपको दिख ही जाएंगे 100%। वो नॉर्मल फ्रॉक्स नहीं होते जो हमारे घरों में या हमारे शहरों में मिलते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉक्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो अभी हम निकलते हैं एक और जगह के लिए जो एक विलेज में जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद अपन लोग उधर की तरफ निकलेंगे और वहाँ पे 1-1.5 घंटे का हमारा एक ट्रेल रहेगा, वो करने के बाद हम वापस आएंगे और यहाँ से एग्जिट करेंगे। में अपने को रेलवे ट्रैक पर बहुत सारा फॉग मिला, बारिश हो रही है तो यहाँ पे फॉग इज़ नॉर्मल थिंग, तो वो आता है जाता रहता है, और जब बहुत एक्सट्रीम बारिश होती है तो यहाँ पे आपको 2-4 फीट 6 फीट तक कुछ दिखता नहीं है, इतना फॉग होता है यहाँ पे। तो वी आर फॉर्चुनेट कि अभी बारिश थी तो अपन लोगों को वो सब दिख गया। एंड नाउ दिस विलेज वाला ट्रेल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स लॉन्ग, बट हम इतना दूर नहीं जाने वाले हैं। टाइम की नज़ाकत को देखते हुए हम लोग 9:30 बजे अपने को वापस पहुंचना है, क्योंकि अपने को ब्रेकफास्ट करना है एंड यहाँ से निकलना है। योगेश जी, मेरा एक क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत लोगों को पता है कि माथेरन का नाम माथेरन क्यों पड़ा, हाँ, तो माथेरन का नाम माथेरन क्यों पड़ा, आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू। ओके, तो माथेरन ये 2 वर्ड से बना है, माथा मतलब सर, तो और रान बोले तो फॉरेस्ट, तो ये पूरा जो पहाड़ी है 2000 फीट अल्टीट्यूड अबाउट सी लेवल, उसके पूरे सर के ऊपर पूरा फॉरेस्ट है। अगर आप देखोगे अभी बारिश है ना, तो उसके साइड में भी फॉरेस्ट है, लेकिन जैसे बारिश खत्म हो जाती है साइड का पूरा जंगल सूख जाता है, सिर्फ उसके सर के ऊपर फॉरेस्ट रहता है, फॉरेस्ट है, इसलिए नाम माथेरन। और ये माथेरन जिसने डिस्कवर किया एचजी मैलेट, उसके पहले ये लोकल लोग आते थे ये ग्रेजिंग के लिए, हाँ, तो वो ग्रेजिंग ग्राउंड था खाली, लेकिन कोई इसको नाम नहीं दिया था, कोई रहने का नहीं था। तो एचजी मैलेट ने जब इसको डिस्कवर किया तो उसने एक बंगला बनाया इधर, और फिर ये ब्रिटिश लोगों का आदत ही था कोई कूल अच्छी जगह ढूंढो छुट्टी मनाने के लिए, तो वही हिसाब से माथेरन। समझ आया ना कि माथेरन का नाम माथेरन क्यों पड़ा, माथा मतलब फोरेट एंड रन मतलब फॉरेस्ट, सो फोरेट पे फॉरेस्ट है, दैट्स व्हाई इसका नाम माथेरन पड़ा। सो अभी अपन लोग निकल रहे हैं यहाँ से, इट वाज वंडरफुल ट्रिप, आई टेल यू। माथेरन का सबका आने का पर्पस सबका अलग अलग रहता है, मेरा पर्पस अलग था, मैं पिकनिक के लिए यहाँ पर नहीं आए थे या वीकेंड गेटअवे के लिए नहीं आए थे, यहाँ पे हम लोग माथेरन की जो रियल ब्यूटी है अबाउट इट्स नेचर एंड यू नो इट्स इंसेक्ट्स एंड स्नैक्स एंड फ्रॉक्स एंड लॉट ऑफ स्पीशीज जो आपको यहाँ पर मिलेगी वो हम देखने आए थे। कोई सनसेट पॉइंट या सनराइज पॉइंट देखने वगैरह का ये प्लान हमारा नहीं था, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाया, तो अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट हुए तो उसके लिए आई एम नॉट सॉरी। तो आपको अगर आना है, वो भी बहुत सुंदर जगह हैं, अगर आप वो देखने आना चाहते हैं तो आप देखने आ सकते हैं, अदरवाइज इस तरह की अगर कोई एक्सपीडिशन आपको करने हैं तो उसके लिए यू कैन कनेक्ट विद मी, आई विल गिव यू द कनेक्ट ऑफ
दीज पीपल, वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये सब एक्सपीडिशन करवा सकते हैं। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में बहुत जल्दी ही, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई लोकेशन के साथ और एक नए एक्साइटमेंट के साथ। सो टेक केयर एंड सी यू सून। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और टेक केयर। सो फाइनली जाते हुए एक चीज़ पेंडिंग रह गई थी जो हमारे टीम लीडर योगेश जी ने बताया, रॉक बॉल्सम करके एक यहाँ पर एक ऑर्किड की वैरायटी का एक फ्लावर मिलता है, वो रास्ते में अगर एक पॉइंट है जहाँ पर मिलता है वहाँ पर रुकेंगे और अगर वो मिला तो उसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे एंड देन विल लीव। अच्छा।